नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो विषय है वो पिछले दो वीडियो के कंटिन्यूशन में आप बोल सकते हो। लास्ट दो वीडियो थे जिसके अंदर दो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसके अंदर एक टॉपिक था बिलो 30 लाख बजट वाले रशिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, एंड दूसरा एक टॉपिक था बिलो 25 लाख बजट वाली रशिया की यूनिवर्सिटी के बारे में। इस बार हम एक प्रीमियम सेगमेंट आप बोल सकते हो कि बिलो 40 यानी कि 30-40 के बीच में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है रशिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं रशिया की ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो बिलो 40 लाख यानी कि 30-40 लाख के बजट के बीच में आपको मिल सके। जब हम यहाँ पे बात करते हैं 30-40 के बीच के बजट में, तो इस बजट के अंदर आपको उस लेवल के प्रीमियम ऑप्शन मिलते हैं जो आपको दूसरी कोई सोवियत कंट्री में पॉसिबल नहीं है कि मिल पाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उस लेवल की क्वालिटी भी प्राप्त होने वाली है। एंड इसी रीजन की वजह से सोवियत के अंदर जो भी कंट्री आई हुई उसके अंदर अगर इस बजट में आप जाना चाहते हो, ये बजट का इश्यू नहीं है आपको, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा इंफ्रा मिलेगा, अच्छा टीचिंग फैकल्टीज भी मिलेगा। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले आपको NMC का गाइडलाइन जो रिलीज हुआ था 18 नवम्बर को, उसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अगर यहाँ पे NMC गैजेट के अंदर जो पॉइंट्स बताया गया है उसमें से एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हो तो आपको यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे वो पॉइंट क्या क्या है वो आपको जानने अति आवश्यक है। सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो कोर्स ड्यूरेशन के बारे में है कि जिस कंट्री में या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करने जा रहे हो वहाँ पे 54 मंथ्स का मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होना जरूरी है। उसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट को फॉलो करेंगे आप तो वहाँ पे 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है, जो आपको जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल से आपको करना रहेगा। तो ये खास ध्यान रखना है कि जब भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करे तो उसका इंफ्रा क्या है वो जरूर से जान ले। थर्ड पॉइंट आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है यहाँ पे। दूसरा जो फोर्थ पॉइंट बोल सकते हो वो है लाइसेंस, आपको वहां पे जिस कंट्री में आप पढ़ाई करने जा रहे हो उस कंट्री की जो भी रेगुलेटरी बॉडी है उससे आपको लाइसेंस रिसीव करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द योर MBBS। तो ये कुछ की पॉइंट्स है और इसी की पॉइंट्स को एम्बेसी ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर दोहराया हुआ है। अगर आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हो, वो साइट ओपन करने के बाद वहां पे अगर एक जो लिंक दिया हुआ है इंफॉर्मेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन मेडिकल स्टूडेंट, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी यही सब पॉइंट को दोहराया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट जनरल मेडिकल प्रोग्राम के बारे में है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट जनरल मेडिसिन प्रोग्राम रशिया के अंदर 12 सेमेस्टर का है, यानी कि 6 ईयर्स का है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्लर्कशिप या रोटेशन के बारे में बताया गया है आपको। स्टूडेंट इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज अंडरगो क्लिनिकल रोटेशन क्लर्कशिप फॉर 12 मंथ और मोर ड्यूरिंग द कोर्स। सो जो 6 साल का आपका कोर्स है उसके अंदर 1 साल का इंटर्नशिप आपका इंक्लूड है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वहां पे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन साथ में वो भी आपको बोला गया है कि वहां पे रशियन सीखना आपको जरूरी है फॉर द कम्युनिकेशन विद पेशेंट। एंड अगर फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो वो वहां पे जिक्र किया गया है लाइसेंसिंग पार्ट के बारे में कि लाइसेंस किस तरह से आपको वहां पे अवॉर्ड होगा। तो यहाँ पे NMC गैजेट के जो पॉइंट है वही पॉइंट को इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को ने भी दोहराया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट अगर आपकी सिलेक्शन से मैच नहीं किया तो वहां पे वो डिग्री का वजूद आपका खत्म हो जाएगा। अब जब रशिया में हम लोग एडमिशन लेते हैं तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि पहला आपको रशियन एजुकेशन सिस्टम को समझना जरूरी है। अगर रशिया में हम लोग टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहां पे करीबन 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है वो है फेडरल यूनिवर्सिटी। फेडरल यूनिवर्सिटी के ऊपर कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, यानी कि किसी भी फेडरल यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंफ्रा जो है यूनिवर्सिटी का काफी बेहतर मिलेगा कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। अच्छे फैकल्टीज भी आपको वहाँ पे मिलेंगे देखने को और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वहाँ पे बेटर रहेगा कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेजोरिटी फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन होता है
बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम होता है। सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी आती है जिसके जो कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी भी आई हुई है जो काफी पुरानी है और उसका इंफ्रा कंपेयर टू द फेडरल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट इक्वल देखने को आपको मिलेगा। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो रिसर्च यूनिवर्सिटी है, अगेन उसके ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। और लास्ट में जो रहता है वो है एकेडमी। एकेडमी मेजोरिटी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं और एकेडमी जो पहले थी वो रशियन मीडियम में पढ़ाती थी, लेकिन एनएमसी गेजेट आने के बाद मेजोरिटी एकेडमी जो है वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दी गई। यहाँ पे अगर हम लोग बिलो 40 लाख के बजट वाली यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेडरल यूनिवर्सिटी का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो यहाँ पे है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी यहाँ पे कजान सिटी में आया हुआ है एंड कजान सिटी जो है वो मॉस्को से करीबन 700 किलोमीटर दूर आया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की फीस की बात करेंगे करीबन 4.5 लाख यानी कि 4,68,000 रूबल के आसपास की इसकी सालाना फीस है और इसका जो हॉस्टल फीस है वो करीबन 18,000 रूबल के आसपास है यहाँ पे। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2010 के आसपास की थी। कजान फेडरल के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सेकंड नंबर पे आती है फेडरल यूनिवर्सिटी वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक सिटी के अंदर आया हुआ है एंड व्लादिवोस्तोक जो सिटी है वो मॉस्को से करीबन 9,100 किलोमीटर दूर आया हुआ है। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी की फीस की बात करेंगे तो ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी का करीबन 3,90,000 रूबल है पूरे साल का एंड वहाँ पे हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो करीबन 40,000 रूबल के आसपास यहाँ पे उसका हॉस्टल फीस है। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2012 में की। फेडरल के बाद अगर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कजान सिटी में आया हुआ है एंड कजान सिटी 700 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। और इस यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है वो करीबन 4,16,000 रुपए के आसपास है साल का एंड हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो हॉस्टल फीस 18,000 से लेकर 60,000 रुपए के बीच में आपको साल की देखने को मिलती है यहाँ। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2009 में की थी। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे तो कुक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है जिस यूनिवर्सिटी का जो सिटी है वो कुक सिटी है यहाँ पे और कुक सिटी जो है वो करीबन 530 किलोमीटर मॉस्को से दूर आया हुआ है। कुक के अगर फीस की बात करेंगे तो करीबन 5,500 USD पर ईयर उसका फीस है एंड उसका हॉस्टल फीस जो यहाँ पे है वो करीबन 700 USD के आसपास देखने को मिलता है पूरे साल। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 1996 को की थी। कुक के बाद अगर फिफ्थ ऑप्शन पे जाएंगे आप तो यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है एंड नॉर्दर्न स्टेट जो यूनिवर्सिटी वो अर्कॉन्स सिटी जो है वहाँ पे आया हुआ है एंड इस सिटी का डिस्टेंस अगर मॉस्को से देखते हैं तो करीबन 1150 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है इसका। एंड अगर यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो उसका ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस दोनों मिला के पर ईयर का जो एक्सपेंस लगता है वो करीबन $6,200 के आसपास लगता है। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2011 को की थी। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि ओरेनबर्ग सिटी में आया हुआ है एंड ओरेनबर्ग का जो डिस्टेंस है मॉस्को से वो करीबन 1500 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ओरेनबर्ग का जो फीस है वो पूरे साल का अगर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस दोनों को मिला के बताते हैं तो करीबन $6,000 के आसपास यहाँ पे पूरे साल का एक्सपेंस देखने को मिलता है। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश में पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2008 में की थी। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का नाम आता है उसका नाम है मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो योस्कारोला सिटी के अंदर आया हुआ है ये एंड इसका डिस्टेंस अगर मॉस्को से देखेंगे तो करीबन 700 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। और इसका जो ट्यूशन फीस है वो थोड़ा वेरिएबल आप बोल सकते हो। फर्स्ट ईयर का जो ट्यूशन फीस है यहाँ पे वो करीबन $6,000 के आसपास है और सेकंड ईयर से सिक्स ईयर का ट्यूशन फीस वो करीबन $5,000 के आसपास है। और हॉस्टल फीस जो है वो ये फीस के अंदर इंक्लूड रहता है एंड इस यूनिवर्सिटी ने 2014 के अंदर इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत की थी। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे उसका नाम है उलियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उलियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो उलियानो सिटी के अंदर आया हुआ है एंड इसका जो डिस्टेंस है मॉस्को से वो करीबन 700 किलोमीटर के आसपास का है। और उलियानो की अगर फीस की बात करेंगे तो ट्यूशन फीस अप्रोक्सीमेटली उसका 3,00,000 रूबल के आसपास है पूरे साल का और जो हॉस्टल फीस है यहाँ पे वो करीबन 55,000 रूबल के आसपास। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत
करीबन 2014 में की। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम आता है। समारा सिटी के अंदर आया हुआ है यूनिवर्सिटी, एंड समारा का जो डिस्टेंस है वो करीबन 1000 किलोमीटर है मॉस्को से। एंड अगर उसके ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो करीबन 380,000 रूबल के आसपास उसका फीस है पूरे साल का। एंड हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो करीबन 55,000 रूबल के आसपास उसका हॉस्टल फीस है। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश में पढ़ाने की शुरुआत करीबन 1993 को की थी। और लास्ट में जो यूनिवर्सिटी हम बता रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम है वोरोनेस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो वोरोनेस सिटी के अंदर आया हुआ है। एंड वोरोनेस सिटी आप बोल सकते हो कि मॉस्को से काफी ही नजदीक आया हुआ है। उसका जो डिस्टेंस है वो करीबन 500 किलोमीटर के आसपास का है। और ट्यूशन फीस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ट्यूशन फीस उसका 364,000 रूबल के आसपास है पूरे साल का। एंड हॉस्टल फीस जो यहाँ पे है वो करीबन 50,000 रूबल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2010 के अंदर की थी। यहाँ पे एक चीज आपको खास बता दें कि यहाँ पे हमने किसी भी यूनिवर्सिटी को रैंक देने के लिए प्रयत्न नहीं किया हुआ है। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन में आप अपने बजट के और अपने एकेडमिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें। अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो हमारा रेगुलर वेबिनार होता है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जो अपर सेक्शन के अंदर वेबिनार का आपको लिंक दिखेगा, वहां पे क्लिक करके तो आपको वहां पे अपना टोटली जो डिटेल है वो आपको फिलअप करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हमारे काउंसलिंग टीम आपको कांटेक्ट करेगी और वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करेगी, जो कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना एवं शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम सेक्शन अवेलेबल है जिसको आप कनेक्ट कर दें, ताकि आने वाली जो भी इंडिया के एडमिशन या अब्रॉड के एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो उसका आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। उसके अलावा फिर से मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के बेनिफिट मिल पाए। एंड अगर आपको मेल करना है कोई भी क्वेश्चन तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं। इवन हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट एंड व्हाट्सएप सेक्शन अवेलेबल है, वहां से भी आप हमारे कोऑर्डिनेटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी अच्छी सेहत एंड अच्छे कैरियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। टेक केयर।